आज हम कंप्यूटर के रिवाइज प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपका सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है 24 जून को होने वाला है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है जो निःशुल्क है। आपका CHPCL 2019 में पूछा गया है। आज मैं जो भी क्लास करा रहा हूँ कंप्यूटर का रिवाइसेस है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो को एनालिसिस करके जरूर जाइएगा। आपको अगर आंसर पता होगा तो कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी AVG या ऑप्शन सी मैक पीपर या ऑप्शन डी नॉर्थन। तो इसका आंसर बिल्कुल बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद को ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, या कह सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अपना कंप्यूटर वायरस पर हमला करता है उसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। आपका CGPSC व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया है। जी बिल्कुल, जो भी आपको मैं आज क्लासेस करवा रहा हूँ बिल्कुल रिवाइज है, अंतिम क्लास है, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित अंतिम क्लास है, अंतिम वीडियो है, एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। क्या पता आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न पैटर्न देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP, मान लीजिएगा कोई ऐसा तकनीक है जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके नेटवर्क पर हमला करता है, या आपका CG व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया है। मैं यह क्वेश्चन इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम जैसे कि 24 जून को श्रम निरीक्षक सहायक पदाधिकारी का एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंप्यूटर का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं इसीलिए रिवाइज क्लास लेकर आया हूं। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो पर लास्ट तक जरूर रहिएगा। क्या पता आपके एग्जाम में ऐसे पन्ना पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मर्फिंग। ये आपका स्पूफिंग नहीं आएगा ना, ये ऑप्शन गलत लिया गया था। इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, स्मर्फिंग मतलब ऐसा तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, आपका स्मर्फिंग कहलाता है। देखिए अगर आप वीडियो में रिवाइज करके जाते हैं तो आपको, देखिए अगर जैसे भी कभी भी एग्ज़ाम में या बुक वगैरह पढ़ा होगा उसमें आप लोग पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, लेकिन मैं जो रिवाइज करा रहा हूँ, अगर एक बार रिवाइज कर लेते हो ना, कम से कम एक बार वीडियो को देख लेते हो तो कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा। जो आपके एग्ज़ाम में जैसे बैठोगे वगैरह हाल में, एग्ज़ाम वगैरह परीक्षा हाल में बैठोगे तो कुछ आपके दिमाग में आएगा कि हम इस वीडियो को एक बार रिवाइज किए थे, तो इसका ऑप्शन कुछ कुछ आपको याद तो रहेगा ना, है ना। चलिए फिर तीसरा देखते हैं। यह है तीसरा प्रश्न, पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या होता है। तो फाइलों को गोपनीय बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा कंपनीर वायरस का उदाहरण नहीं है। देखिए कंपेनियन वायरस का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो आपका CMG क्या है। CMG एक कंपेनियन वायरस का उदाहरण नहीं है, जबकि स्टेक्टर, ये आपका एसिमो, टीटेक्स और ये सभी है आपका, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को भी संक्रमित कर सकता है, तो जो आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसको संक्रमित कर सकता है, मल्टीपरतित वायरस कहते हैं। कौन सा वायरस उन सभी फाइलों को मिटा देता है। देखिए एक बार याद रखिएगा, कौन सा वायरस है एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ऐसा कौन सा वायरस है जो उन सभी फाइल को मिटा देता है जिन्हें वह संक्रमित करता है। मतलब देखिए फाइल वगैरह रहता है तो देखिए वायरस फैल जाता है अगर फाइल वगैरह में, है ना। तो ऐसा कौन सा वायरस है पूछा गया है जो आपके फाइल को मिटा देता है जिन्हें वह संक्रमित करता है। तो जैसे कि अगर वायरस वगैरह रहेगा संक्रमित वगैरह करेगा फाइल वगैरह को, तो संक्रमित से ही उसको मिटा देता है। ओवरराइट वायरस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओवरराइट वायरस कहा जाता है, ना कि पॉलीमॉर्फिक वायरस कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वायरस फ्लॉपी हीरक को प्रभावित करता है। देखिए और भी अगर आप लोग कंप्यूटर की क्लास करना चाहते हैं या हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे एक प्लेलिस्ट दिया गया है या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, जाके आप वहां पर जुड़ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना रहता है, जो भी आपको डाउट रहता है, तो आप व्हाट्सएप में जाकर जो भी आपको प्रश्न पूछना रहता है क्लासेस से संबंधित वगैरह या फिर जो भी एग्ज़ाम वगैरह संबंधित आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है बहुत सारा, जिसमें वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री क्लास कराया गया है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास।
हाँ आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा कंप्यूटर का पार्ट टू वीडियो, जिसमें कंप्यूटर का पार्ट वन वीडियो तो कल ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। ये आपका रिवाइसेस क्लास है ना, पार्ट वन पार्ट टू कोई काम का नहीं है, बिल्कुल रिवाइसेस क्लास है। तो इसका आ जाएगा बूट सेक्टर। इसके बाद है निम्डा एक वायरस। निम्डा क्या, एक नेटवर्क होता है जिसको वायरस कहा जाता है, ठीक है। ये सभी जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। धोखाधड़ी का एक रूप है, याद रखना, धोखाधड़ी का एक रूप है जिसमें एक हमलावर ईमेल या अन्य संचार को एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में, व्यक्ति के रूप में सामने आता है, उसे फिशिंग स्कैम कहा जाता है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा वायरस है जो एक प्रकार का नहीं था, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो एक प्रकार का वायरस ही नहीं है ना। तो इसका आंसर ट्रोजन हार्स हो जाए। ट्रोजन हार्स क्या पता आपको, जैसे कि एक और उदाहरण है ट्रोजन हार्स का, जैसे कि अगर आप गूगल वगैरह या वीडियो अगर इसको डाउनलोड वगैरह करते हो, ठीक है, जैसे वहाँ से डाउनलोड करते हो, डाउनलोड होने का क्या करेगा, दिखावा करेगा या फिर मूर्ख बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन हार्स कहते हैं। एक कुछ सूचना देना चाहता हूँ कि जो CGV अपम लेबर इंस्पेक्टर यानी कि श्रम निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है आपको 24 जून को होना है, यानी कि आपके पास मात्र कितना दिन बचा हुआ है, मात्र 5 से 6 दिन बचा होगा। इसीलिए कह रहा हूँ बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आने वाले पार्ट में आपको मैं कराऊंगा इंटरनेट वगैरह से, मल्टी वगैरह से, और साथ ही कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बार बार एग्ज़ाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन कराऊंगा। ये आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू वाचिंग कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसके बाद जैसे कि आपका भाग वन के तौर पर मैं एक रिवाइसेस क्लास लेकर आया हूँ, उसी प्रकार एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपके बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मल्टीमीडिया वगैरह से, या फिर कंप्यूटर के इंटरनेट से, है ना, कंप्यूटर के प्रयोग अनुप्रयोग जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं सभी को रिवाइसेस कराऊंगा, बिल्कुल कल का जो क्लास रहेगा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, अंतिम क्लास रहेगा, यानी कि लास्ट एक क्लास लेकर और आऊँगा, ठीक है। बिल्कुल रिवाइज के तौर पर कल एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो कि लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है, जिसमें एग्ज़ाम में ऐसे पटना पर प्रश्न पूछा जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में, जैसे अगर एग्ज़ाम दिलाने जाते हो 20 नंबर का प्रश्न आता है, कम से कम आपको 10 से 15 नंबर आपका वहाँ से देखने को मिल सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो आपके जो एग्जीक्यूट होता है, आप लोग के लिए प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, माइक्रो फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर, या सलामी सेविंग, या आपके CG व्यापम PSC जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए, एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। आप सभी के लिए यह क्वेश्चन है, आप सभी इसका एग्ज़ाम में ज़रूर देकर जाइएगा, या फिर इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जितने भी हमारे क्लास में या अटेंड किए हैं वीडियो को, या भी जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर देकर जाइएगा, ठीक है, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर बने हैं, ठीक है, और वीडियो को अंतिम तक देख के जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो रिवाइसेस क्लास है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो को क्लास में करा चुका हूँ लेकिन यह रिवाइसेस है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण क्या क्या है। तो कंप्यूटर का एंटीवायरस के बहुत सारे उदाहरण है ना। तो देखिए नॉर्थन, मैकफी, क्विकफील्ड, सोलॉम, ट्रॉक, बहुत सारा है कंप्यूटर एंटीवायरस का, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में जाइए, कंप्यूटर का प्लेलिस्ट के नाम से एक दिया होगा, कंप्यूटर छात्रावास अधीक्षक, या फिर कंप्यूटर GK का क्लास, वहाँ आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल ओल्ड क्लास भी है जो व्यापम के 2014, 16 या 18 जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी रिवाइसेज में है ना। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको कंप्यूटर का पूरा, यानी कि सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर का पूरा देख डालिएगा, पूरा एक एक बार वीडियो को देख डालिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगा है ना। अगर आप लोग वीडियो को देख ले तो कुछ आपको जैसे कि अनुभव हो जाएगा, जैसे कि हम एक बार तो पढ़े थे, कम से कम एक बार वीडियो देखे हैं। आप लोग अगर वीडियो देख लेते हो, अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना, मैं बार 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 कह रहा हूँ, एक ये जो वीडियो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसको 1 से 2 बार जरूर देख लेना, क्या पता आप एग्ज़ाम में कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं टारगेट वेबसाइट के विरुद्ध में DNS सर्विस का अटैक किया जाता है जोमिंग में, ठीक है। उसी प्रकार आपका आ जाएगा कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम सभी को मालूम होगा, वैक्सीन। ये तो ट्रोजन हार्स है ना, जो कि आपका एंटीवायरस नहीं है, और ये जो ट्रोजन हार्स है बहुत एग्जाम में पूछता है, ट्रोजन हार्स याद रखना, ट्रोजन हार्स और वर्म से। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये ट्रोजन हार्स है, इसको
आप नोट करते चलिए। अगर आप लोग अगर साथ में नोट वगैरह रखे होंगे, कॉपी वगैरह, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, या फिर आप लोग कुछ दिमाग में रख लीजिएगा कि जो ट्रोजन हार्स होता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा ना, जो ट्रोजन हार्स होता है वो आपका एक एंटीवायरस नॉट है, मतलब जो है जो वायरस नहीं है ना, ट्रोजन हार्स जो होता है वो आपका वायरस नहीं होता। क्योंकि देखिए जो ट्रोजन हार्स होता है, कभी भी जैसे आप डाउनलोड वगैरह करोगे गूगल वगैरह से, या नेटवर्क या क्रोम व्रोम के माध्यम से, जो भी अगर आप सॉन्ग वगैरह इमेज वगैरह जो भी डाउनलोड करते हो, तो आपको दिखावा कर देगा, डाउनलोड होने का दिखावा करेगा यह डाउनलोड हो चुका है, लेकिन डाउनलोड नहीं होगा, या आपको मूर्ख बना देगा, वही आपको होता है ट्रोजन हार्स। तो एग्ज़ाम में ऐसी प्रश्न पूछता है। और वर्म को आप याद रखना, कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग वायरस, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्टिंग वायरस का मतलब होता है स्वयं का, खुद का, है ना। तो देखिए जो वर्म के बारे में बताया जा रहा हूँ, ये दो आप बातें याद रखना। पहला बात है कि स्वयं का प्रतिलिपियाँ बनाता है, या फिर दूसरा बात है कि खुद का प्रतिलिपियाँ बनाता है, वह आपका वर्म कहलाता है। तो इसको बिल्कुल नोट करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर वर्म ट्रोजन हार्स से पूछ लिया, तो आप ऐसे ही आप लोग याद को करा दिया हूँ, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, मेरा यह परफॉर्मेंस आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताएं। जी बिल्कुल, मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि मेरा यह वीडियो में परफॉर्मेंस आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, रिक्वेस्टिंग है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर क्या छिपा रहता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है। बिल्कुल एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल कवर करा दूँगा, जितना भी ऑपरेटिंग वगैरह सिस्टम वगैरह है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सब मैं करा चुका हूँ, ये बिल्कुल रिवाइज क्लास है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लोग जाओ डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में, या फिर हमारे चैनल पे, हमारे चैनल का नाम मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरा चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर के नाम से दिया होगा, यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे पहले होम पर जाइएगा, और सब्सक्राइब में जो दिया रहेगा वहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो में दिखेगा आपको प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे, आपको डायरेक्ट कंप्यूटर क्लास दिखेगा, हॉस्टल वार्डन की बाल मनोविज्ञान की क्लास दिखेगा, हॉस्टल वार्डन छात्रावास जितने भी प्लेलिस्ट पर पूरा क्लासेस है, वीडियो को एक बार आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वायरस का क्या नाम है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड एग्जिस्ट नाटक करता है। देखिए आपको अभी मैं बताया हूँ आपको, और यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया गया है, प्रश्न पूछ लिया गया है कि वायरस का क्या नाम है। देखिए ये आपका वायरस नहीं है ट्रोजन हार्स, लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि ऐसे एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या फिर एक्सिक्यूट करने का नाटक करता है। मैं आप सभी को बताया ना मूर्ख बनाने वाला काम, तो यहीं पर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मूर्ख बनाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वही आपका ट्रोजन हार्स कहलाता है। अगर वर्म के लिए पूछ लिया जाता तो क्या बोलते हैं आप, स्वयं का या फिर खुद का। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। तो निम्न में से एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस का आपको मैं बताया था ना, एवस्ट, एवीजी, नॉर्थन, कास्पर स्काई, वर्म तो नहीं है ना, एक मिनट ना मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, जो आपका एंटीवायरस क्या कहते हैं, एवस्ट, मैकफी, क्विकहिल, नॉर्थन, ये सभी कास्पर स्काई, ये सभी क्या है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कितने सारा एंटीवायरस है आपका। ठीक है, ये अभी आप देख सकते हैं पूरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब एंटीवायरस है। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः क्या छिपा रहता है, कंप्यूटर वायरस में ऑपरेटिंग और एप्लीकेशन, ये आपको बता चुका हूँ पिछले क्लास में। ठीक है, और ये एंटीवायरस प्रोग्राम क्या नुकसान करता है उन वायरस को जो प्रोग्राम में लिखा होता है। ठीक है, नेटवर्क में कहाँ कहाँ सुरक्षा नीति परिपालन किया जाता है, फॉक्सी फायरवॉल में। ठीक है, कंप्यूटर का फायरवॉल क्या होता है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था ये वाला, तो कंप्यूटर का जो फायरवॉल होता है आपका नेटवर्किंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, नेटवर्किंग में प्रयुक्त होता है। देखिए सॉफ्टवेयर जो नुकसानदायक होता है, जो विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इसे बचाता है, आपका एंटीवायरस ही है। मतलब देखिए ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके प्रोग्राम वगैरह को नुकसान करे या विनाश करे या फिर वायरस फैल जाता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। साइबर राइट वायरस क्या होता है? एक विंडो वायरस होता है, ठीक है। और एक याद चीज़ याद रखना कि निम्न के सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अब देखिए, आपको मैं जस्ट आपको बताया था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या क्या है, उसी प्रकार यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया है, तो आप सीधा डायरेक्ट ओपेरा लगाओगे क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि मैकफी, क्विक हील, ये सभी सब नॉर्थन वगैरह सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। देखिए स्वयं पूछ दिया है, स्वयं प्रतिलिपि वर्म डाल लो डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति की पहचान का हेरी फेरी कर गोपनीय सूचना प्राप्त करने, फिशिंग स्कैम कहलाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना। अब देखिए यहाँ पर निम्न क्या कंप्यूटर के नुकसानदायक है, तो वायरस ही है, फ्रीवेयर नहीं है, सेल, ये सब अलग अलग है ना। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए क्या जाना? सामान्यतः देखिए जो पासवर्ड चुराता है उसको स्पूफिंग कहा जाता है, स्पूफिंग याद रखना, पासवर्ड अगर चुराते हैं ना उसको स्पूफिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसको देख लो ये प्रश्न। आपके कंप्यूटर के बाहरी दुनिया बाधा उत्पन्न करता है, ये फायरवॉल ही है जो आपको बाधा उत्पन्न करता है। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, डायरेक्ट पूछ मत को ना, सीधा बाधा उत्पन्न मतलब डायरेक्ट फायरवॉल लगा देना। पहला आधिकारिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपका, देखिए जो पहला है ना, द रिपर है, द रिपर, ये वाला द रिपर लिखा गया है, वो द रिपर है याद रखना, ये आपका पहला है जो आपका आधिकारिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर में से वायरस का पता लगा सकता है, वो तो आपका एंटीवायरस ही होगा जो हटा देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए कुछ वायरस विलंबित पेलोड, देखिए जो पेलोड दिया है ये आपको एक और क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। पेलोड और डीलोड, जो पेलोड और डीलोड होता है ना आपका, बम्ब होता है इसका आंसर, बम्ब, ठीक है याद रखना, बम्ब। पेलोड और डिलोड को क्या कहा जाता है? बम्ब कहा जाता है या टाइम भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या पूछती है, विलंबित पेलोड को क्या कहा जाता है? तो विलंबित पेलोड को बम्ब कहा जाता है। अगर इस्लाम में इस प्रकार पूछे पेलोड या फिर लेलोड या डिलोड है ना, तो बम्ब लगाओगे। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट क्लास के लिए आप कैसा करोगे, है ना, आप नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसी नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग जल्दी से, हाँ कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके बताइएगा, चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार करते रहें, हम नेक्स्ट क्लास लेकर जरूर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।